नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक इलाज में 24। मैं वीरेंद्र कुमार। आज स्वर्गीय बलदेव पासवान जो निवर्तमान मुखिया रहे हैं, आजीवन मुखिया रहे, साथ ही साथ कांग्रेस के कई पदों पर रहे, आज उनकी 131वीं जयंती तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और स्वतंत्रता सेनानी के जो सहयोगी थे या उनके जो परिजन थे तमाम लोगों ने माने। आज ऐसे में आज हरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात की बहुत सीनियर एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह समेत धर्मेंद्र पासवान, साथ ही साथ उदय झा, तमाम लोगों ने आज इनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। देखिएगा हमारे साथ की जिस तरह से धर्मेंद्र बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, हम लोग स्वर्गीय बलदेव बाबू की जयंती पर प्रायः हर साल यहाँ उपस्थित होते हैं, और इस बार इनकी 131वीं जयंती है। ये प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, कांग्रेस से भी जुड़े रहे, कम्युनिस्ट से भी जुड़े रहे, समाज सेवा से भी जुड़े रहे, और इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। मुखिया काकन पंचायत के ही आजीवन रहे और विभिन्न दलों से इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी लड़ाई लड़ी। आज हम लोग सब उनको नमन करते हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इनके मार्ग पर चलने के लिए हम सभी कांग्रेस जन, दूसरे दलों के लोग, समाज के अन्य वर्गों के लोग, हम इनको बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं। अमर स्वतंत्रता सेनानी के बलदेव पासवान जी का आज पुण्यतिथि है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया, क्या करना चाहिए? आज जिला कांग्रेस कमेटी स्थानीय भवन कांग्रेस भवन जमुई में आज हम लोग बहुत पहले से 4-5 साल से हम लोग यहाँ स्वर्गीय बलदेव बाबू का, बलदेव पासवान जी का जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका पुण्यतिथि मनाते आ गए। और ठीक उसी प्रकार से इस बार भी हम लोग उनके पोता धर्मेंद्र पासवान ने जी हैं, दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, इन्हीं के प्रयास से सारा कार्यक्रम हुआ है, सारा व्यवस्था व्यवस्थित हुआ है। और उसके बाद हमारे जिला कांग्रेस के वरीय पदाधिकारीगण, चेयरपर्सन लोग आज मौजूद हैं और हम लोग अपना इनको इनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि करके नमन किए हैं और इनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिए हैं। और इसी से गांव का विकास होगा, देहात का विकास होगा, शहर का विकास होगा, देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। ये नहीं है वर्तमान भूत क्या है, उजाड़े अपना प्रदेश कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस, यहाँ जिला कांग्रेस और हरेंद्र सिंह, नहीं समझे? वर्तमान तर्तमान से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम अपना इनको मनाते आए हैं और हम मनाएंगे, और जिला कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा होगा उसको लेके हम चलेंगे, और एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान के लिए एक एक बूंद खून भी बहाना होगा तो हम बहा देंगे। सूत्रों से पता चल रहा है कि जब तक हरेंद्र सिंह कांग्रेस कार्यालय में थे तब तक कांग्रेस कार्यालय को चमकने और बढ़ने में काफ़ी स्वतंत्रता महसूस होता था, लेकिन अभी जो फिलहाल जो अध्यक्ष यहां बने हैं उनके आने के बाद पब्लिक भी जो है कांग्रेस का नाम धीरे धीरे भूलते नजर आ रही है। ऐसे में क्या कहेंगे पब्लिक को? वो तो जाने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्णय, प्रदेश कांग्रेस का, हमारा यहाँ जो भी कांग्रेसी हैं, जो एक नंबर सच्चे कांग्रेसी हैं, वो बस एक बात जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी मतलब है। धर्मेंद्र जी, क्या कुछ हो रहा है आज? मेरे दादाजी महान अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बलदेव बाबू की 121वीं जयंती समारोह कांग्रेस भवन में मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग सभी दल के सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। कितने पदों पे रहे हैं ये? ये आजीवन काकन पंचायत के आजीवन मुखिया रहे, उसके बाद 1952 में लोकसभा चुनाव लड़े, कम ही मतों से ये पराजय हुए। उसके बाद कहाँ से चुनाव लड़े थे? जम्मू कंजक्शन समय लोकसभा रिजर्व था 1952 में। उसके बाद 1962 में विधानसभा चुनाव लड़े, उस समय भी कुछ कम मतों से इन्होंने पराजित हुए। उसके बाद कई आंदोलन ही किए, बढ़ैया टांग आंदोलन, शिवसेना महंत के खिलाफ, आपके यहाँ डुमनपुरा महंत के खिलाफ, कभी अनेकों लड़ाई में इनका योगदान हमेशा रहा। अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, अंग्रेज को छक्का छुड़ाए, देश आजाद किए। ये बहुत फ्रीडम फाइटर और एक बहुत क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने हमें, उनके परिवार, उनके वंशज, उनके पुत्र हम हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला।
और इनके बतावे रास्ते पर हम चलने का संकल्प लेते हैं आज इनके जयंती के शुभ अवसर पर, कि जहाँ भी ये रहें हम लोगों को मार्गदर्शक और इनका स्नेह और प्रेम आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, ताकि मैं इन्हीं के तरह कुछ समाज में अपने नाम और गामी करें। तो बड़ी अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह जोड़ी, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा जी? आज देखिए हमारे ये जो हैं स्वर्गीय बलदेव पासवान जी एक सामाजिक व्यक्ति थे और इनका एक अपना स्थान था। इनके जाने के बाद ही हम लोग इनके कदमों पर चलते आ रहे हैं। इनका पोता भी आज यहाँ पर आज उपस्थित हैं, हमारे सभी कांग्रेस बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग सोचेंगे कि ये इनका जो है कौन रहा है उसको उजागर करें। ये क्या हम लोग कोई धर्म के अनुसार